पाठ में सुषमा में बीए पाठ सेकंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे एकीकालीन काव्य। एकीकालीन काव्य में हम पढ़ रहे थे नायक भेद नायिका भेद। नायक भेद हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे थे नायिका भेद। नायिका भेद में जो नायिकाएं बताई थी कवियों ने, प्रोस पति का नायिका जो जिसका प्रीतम धनोपार्जन करने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए विदेश चला जाता है और उसकी प्रीतमा उनके वियोग में व्याकुल बेचैन रहती है, तो ऐसे नायिका को प्रोस पति का नायिका कहते हैं। जानको भी है विदेश में, जानको भी है विदेश में यह विकलती हो, जानको भी है विदेश में इसके बाद में कल हरिता नायिका हमने चर्चा की। पति का अपमान करने के पश्चात अपने पर किए हुआ खेद प्रकट करती है। पहले पति का अपमान किया, फिर पश्चाताप किया, तो ऐसी नायिका को कल हरिता नायिका कहते हैं। प्रथम कछु अपमान करी, प्रथम कछु अपमान करी, पीए को फिर पछताई। इसी प्रकार खंडिता नायिका, तीसरी नायिका बताई थी खंडिता। खंडिता में कौन सा था कि जो नायिका का पति पर स्त्री गमन के बाद में वापस घर लौटता है, तो वो नायिका उस स्त्री से ईर्ष्या भाव रखती है, ऐसी नायिका को खंडिता नायिका कहते हैं। तो कहते हैं पीए तन वही नारी के रति के दिन है निहारी, पीए तन वही नारी के रति के दिन है निहारी, दुखित होए सो खंडिता पर्वत सो कवि विचार। इसके बाद में अभिसारी का नायिका, आगे देखो क्या नाम है अभिसारी का नायिका। अभिसारी का नायिका, अभिसारी का नायिका के प्रिय मिलन हेतु संकेत स्थल पर लिखो, इसमें प्रिय मिलन हेतु, प्रिय मिलन हेतु संकेत स्थल पर, संकेत स्थल पर प्रिय मिलन हेतु संकेत स्थल पर अग्रसर करने वाली नायिका, अभिसरण करने वाली वाली नायिका कौन सी होगी? अभिसारी का नायिका। तो अभिसारी का नायिका प्रिय मिलन हेतु संकेत स्थल पर अभिसरण करने वाली नायिका को कहते हैं अभिसारी का नायिका। तो लिखे इसमें कि जात मिलन अभिसारी का, उदाहरण लिखो इसका, उदाहरण जात मिले अभिसारी का, अभिसारी का शादी श्रृंगारी शब्द है, शादी श्रृंगारी शब्द दे, जात मिले अभिसारी का शादी श्रृंगारी समय दे के जब अपने प्रीतम से मिलती है अभिसारी का छिपकर मिलना, अभिसार का अर्थ है छिपकर मिलना। तो कहते हैं उसने अपने देह को सजाया है, जात मिले अभिसारी का शादी श्रृंगारी समय दे। आसान साधन देखो आप तो जात मिले अभिसारी का शादी श्रृंगारी शब्द अपने प्रीतम से मिलती है तो अपने आप को सजाती और वहां मिलती है। जैसे ये मिल जाए ज्योतिष न अभिसारी हो सकता है या ये रात्रि का भी हो सकता है। कहते ना कि नायिका अपने प्रीतम से मिलने के लिए ली जाती है तो कहते हैं अपने कपड़े हैं उनके नीले पहन लेते हैं, तो एक यही का दोहा आता है कि नील पट्टू चली की है कि है क्यों दुराई क्यों दुरेदी सीता सीते है, कि अपने प्रीतम से मिलने के लिए जाती है नीले कपड़े पहन कर। देखिए
ने पट समानुति कण कणक संवाद लेकिन श्री अकियामा से इसको पता चल जाता है ये नायिका कौन सी नायिका है अभिसरिका। आगे की जो नायिका है उस पर चर्चा करें। एक बार इसको आपने अंकित कर लिया रजिस्टर पे उतार लिया आप चलते हैं आगे। ये था अभिसरिका नायिका। अब चले आगे अभिसरिका जात में है अभिसरिका साथी श्रृंगारी शब्द है कौन सी जात में है अभिसरिका साथी श्रृंगारी शब्द है आसान सा है उदाहरण इसके एक बार थोड़ा सा इसमें याद करो ध्यान लगा याद हो जाएगा। जात में है अभिसरिका साथी श्रृंगारी शब्द है। अब आगे दूसरी जो नायिका है उत्कृष्टता उत्कृष्टता नायिका कौन सी है उत्कृष्टता उत्कंठता नायिका के बारे में लिखो कि अब जो अपने प्रीतम के संकेत स्थल पर नहीं आने के कारण जो नायिका अपने प्रीतम के संकेत स्थल पर संकेत स्थल पर न आने के कारण जो अपने प्रीतम के संकेत स्थल पर न आने के कारण क्या है कारण चिंता में रहती है या चिंतित रहती है आप संकेत किया था वहां पर मिलना लेकिन वो नायक वहां पर नहीं पहुंचा। कहते ना बड़े कौन में का थे मैंने छुपा ये नायिका है इनके जो अंगों से भी क्या हो जाते हैं इशारा हो जाता है अंगों से भी इशारा हो जाता है कि बड़े कौन में का थे मैंने छुपा जब मान लो उनको अवसर नहीं मिलता नायक नायिका को चर्चा करने का तो घर में सब विराजमान होने के कारण भी आपको ही आपस से बातें कर लेते हैं। यहाँ जो नायिका अपने प्रीतम के संकेत स्थल पर नहीं आने के कारण क्या रहते हैं चिंतित रहती है और फिर बताया कि उसकी उत्सुकता प्रतीक्षा करती है पूर्ण क्या करती है प्रतीक्षा करती है अपने आप को हार नहीं मानती प्रतीक्षा करती उत्साह पूर्ण कि मेरा प्रिया है। वो कहते हैं ना सांस से भोर कान और निहारती बावरी ने पुनः हारती जो प्रिय आवन लिखे परे उस असुगारती ये जो पद है ये है भना। तो इसी प्रकार उत्कंठता नायिका जो अपने प्रीतम के संकेत स्थल पर नए आने के कारण चिंतित रहती है और उसकी प्रतीक्षा करती है। तो लिखिए उदाहरण लीजिए कि आप गए संकेत में आपको गए संकेत में आपको गए संकेत में क्यों ने आयो हुए कितना अच्छा सा है क्यों ने आए कोई आपको गए संकेत में आए हुए ताको मन चिंता करे ताको मन चिंता करे ताको मन चिंता करे उत्का कही सोए उत्का कहे सोए। देखो आपको मिले से खेत में क्यों मैं आए हुए अब ये अपने याद है आवश्यकता ही नहीं अपने पता ही है अपने आप ही लिख देंगे याद की आवश्यकता ही नहीं है। आपको जाए संकेत में क्यों आए हुए ताको मन चिंता करे उत्का कहे सोए। अब आगे की नायिका है छह नंबर लिखो विपरीता नायिका ये कौन सी नायिका है विपरीता नायिका है तो कहते हैं कि संकेत स्थल पर तीन देखकर नायिका
इसका भी जब संकेत स्थल पर प्रीतम नहीं आता तब ऐसे रहती है। उदाहरण की आवश्यकता में ये कही तो आप कि आपको जय संकेत में पीवन आए हुए तब को मन चिंता करे का कहे सोए भी प्रभुता नायिका संकेत स्थल पर पीए को न देख व्याकुल हत्य नायिका को कहते हैं भी प्रभुता नायिका। अब चलते हैं सात नंबर, एक बार आप उसको हल करेंगे चलते हैं आगे। आगे देखिए आगे है बस सात नंबर में लाए वस सज्जा नायिका। वसक सज्जा नायिका देखिए कि प्रवास से अपने प्रीतम का आगमन पर प्रफुल्लित होती है। जैसे प्रीतम प्रवास से लौटता है तो अपने मन में जो खुशी है उस खुशी से अपने घर अपने तन अपना जो वातावरण है उसको सजाती है। तो क्या बताएंगे कि आगमन पर क्या करती है कि स्वयं को सुसज्जित करती है, स्वयं को सुसज्जित करती है घर सजाती है और बताया अपने आप को घर को सजाती है। तो कौन सी नायिका हुई वार्षिक सज्जा नायिका। उदाहरण लिखो इसका कि वार्षिक सज्जा तल सजे वार्षिक सज्जा तल सजे तन सजे पिए आवन किए था पिए आवन ये था। अपने आप को सजाना तन को सजाना अपने प्रिय की आप क्या है कि मान सम्मान के साथ घर में प्रवेश करवाना ये है नायिका का गुण। जो दाम्पत्य प्रेम है उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। आत्मा परमात्मा का यहाँ मिलन होता है ये ही सबसे कोटि का स्नेह प्रेम बताया है नायिका। आगे आठ नंबर अंतिम नायिका ही हमारी नायिका देवी जो है स्वाधीन पति का स्वाधीन पति का नायिका स्वाधीन पति का नायिका। इसमें लिखो जिसका पति जिसका पति उसके आज्ञा में रहता है उसके आज्ञा का पालन करता है जिसका पति उसकी आज्ञा का पालन करता है नायिका या रहे आदि
सदा उत्पूर्ण विजित किए जाके रही आदि स्वाधीन पति का नायिका नायिका बानत कवि परवीन बानत कवि परवीन आसान सा उदाहरण कौन सा स्वाधीन पति का ये सदा उनके रूप सौंदर्य पर उन पर ही क्या रहता है आधीन रहता है उसका पति। और फिर बताया कि ऐसे जो कवि कवि ने बताया वो नायिका कौन सी होती है स्वाधीन पति का नायिका होती है। अब चले आगे आगे बताया नायिका का भेद धर्मानुसार नायिका का भेद नायिका भेद धर्मानुसार नायिका का जो भेद है एक नंबर में देखो सब किया नायिका इसमें देखो आप पुरुष द्वारा सामाजिक विधि पुरुष द्वारा पति से अनुरक्त रहने वाली नायिका यह नायिका से सर्वश्रेष्ठ नायिका कि पुरुष द्वारा तो अग्नि के समक्ष वचनों का पालन करने वाली नायिका शक्ति या नायिका कहते हैं। विधि विधान के साथ वचनों के साथ जीवन भर का पालन में लगे रहने वाली नायिका को स्वाधीन सबकिया नायिका कहते हैं। उदाहरण के स्तर के संपत्ति विपत्ति जो संपत्ति विपत्ति जो संपत्ति विपत्ति जो मरण हो संपत्ति विपत्ति जो वर्ण सदा एक अनुहारी हरी अग्नि को ताही स्वीकृत किया जानी है ताही सब किया जानी है ताही सब किया जानी है मन वच कर्म विचारी देखो कितने अच्छा किसी ने कहा है इनके बारे में कि परेशानी आए सुख में भी साथ में रहे दुख में भी साथ रहे वो होती है यहाँ अच्छी नायिका का जो गुण बताया है जो कहना माने अपने वो भी ये क्या है समानता का जंतर है अपने ही पति के साथ अनुराग रखने वाली नायिका। एक बार रैदास ने अपनी पत्नी को रात्रि के 12 बजे कहा कि दिन का उदय हो चुका है जा जो मेरे कपड़े हैं उनको साफ कर ला धो ले तो उठी और धोने चली गई। चाहे वो अनजाने में कहा चाहे वो कैसे कहा तो कहना माना ये क्या हुआ ये पति पत्नी दंपत्य का प्रेम हुआ ये क्या हुआ प्रेम इसको कहते हैं प्रेम। तो यहाँ पे जो बताया है
कि संपत्ति में भी और विपत्ति में भी सदा साथ में रहे और इनके प्रेम में रहे, इसको कौन सी नायिका कहते हैं? सबकिया नायिका कहते हैं। आगे देखो दो मंत्रों में पार्टिया नायिका, पार्टिया नायिका, पार्टिया नायिका किसी पुरुष द्वारा विवाहित या किसी पुरुष द्वारा पढ़ते रहें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।